तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों DRDO में कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि निकाली गई हैं और इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता हूँ। तो DRDO में नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका है। यहाँ पर साइंटिस्ट बी पद पर योग्य उम्मीदवारों से जो आवेदन है वो मांगे गए हैं और कैंडिडेट जो कि इन पदों पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हैं वो जो इनका बताया गया प्रारूप है उसके हिसाब से जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। अंतिम तारीख से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है और ऐसा करने के लिए उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.gov.in, एक बार फिर से आप सुन लें, drdo.gov.in, और यहाँ पर जाकर के आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। DRDO में विभिन्न आपको बता दें कि पोस्ट हैं जिनके लिए ये वैकेंसीज ओपन की गई हैं। लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, DRDO के साइंटिस्ट बी पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास 31 अगस्त तक का समय है, यानी कि अभी समय है आपके पास क्योंकि 31 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस महीने की आखिरी तारीख तक आप ये जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। 31 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपके जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 204 पद हैं जो कि भरे जाने हैं और इसमें साइंटिस्ट बी के जो पद हैं और इसके अलावा DRDO फिर DST ADA और CMI डिपार्टमेंट के लिए भी आपको बता दें कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कंबाइन तौर पर निकाली गई हैं। अप्लाई कौन कर सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। DRDO किन पदों पर आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के पास संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। उस वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष की रखी गई है। 25 मई 2023 को कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। शुल्क आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लगने वाला है। आवेदन करने के लिए जनरल OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये की इसमें जो फीस है वो देनी होगी। वहीं SC ST PH और महिला कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगेगी। सिलेक्ट होने पर जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 177,500 रुपये तक हो सकती है आपकी सैलरी। तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो drdo.gov.in पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।